कर रखे इससे दो थाप मारते बता रहे थे किससे ले गया कितना गंजा है वो गंजा के लिए पकड़ने के लिए कहा दिए उल्टा दिया और यह बात कई बार तो वह तो कार्रवाई हो ही जाएगी मनोज एसपी के कड़ाई भी चला यह बात तो उन्हें बताया जाएगा ये नू पकड़ा था फलाना आदमी ने वापिस कर दिया था ऐसा तो नहीं आपका मुलाजिम पे कौन करा उड़े कराना ही पड़ेगी आप करो यह क्या करनी और यह अभी जो यह है वीडियो यह भी इस समय एक 9-11 थाने के अंदर खड़े हैं जहां पे ये कुछ लोग उगाड़े खड़े हैं यहां पे बातचीत करेंगे हमारे साथ में मनोज जाखड़ खड़े हैं क्या कहना चाहेंगे भाई साहब हमने कुछ असामाजिक तत्व लोगों को जो नशे की तस्करी करते हैं उनको मौके पे पकड़ा है और थाने के अंदर लेके आए थे थाने में हमने जो उनसे जो भी है तत्व पदार्थ हमें मिला नशा थाने में सिपाही को दिया सिपाही ने SHO साहब से बात करी SHO साहब बोले कि ये पता नहीं क्या बोले क्या नहीं उन्होंने सिपाही ने वो माल हमारे हाथ में उल्टा पकड़ा दिया और हमें थाने से बाहर निकाल दिया फिर हम जहाँ पे यहाँ पे खड़े थे सब लोग वो बेचने वाले यहाँ पे खड़े थे यहाँ से फिर ये बोले कि गेट के पास खड़े हो रात को आप टाइम देखो 8 बजे हुए हैं ये थाने के अंदर 3-3 कोट पहन के खड़े हैं और हमारे को गेट पे खड़े कर रहे हैं क्यों तो समाज से नहीं है क्या उगाड़ा थाना नहीं है कपड़े उतारने के लिए किसने बोला कपड़े उतारने के लिए जब हमें धक्के देके हमारे थाने के अंदर से बाहर निकाल दिया अब सर्दी थोड़ी लगो या ज्यादा बीमार तो होने आए डंसर हो वांग तीन नहीं बेरा पटगा तो आप विरोध करने के रूप में कपड़े उतार के विरोध करने के रूप में पुलिस प्रशासन कपड़े उतार कर अपना विरोध जता रहे हैं तो इस प्रकार जिस तरह इन्होंने हमारे से बातें की हैं ये असभ्य थी उन्होंने कोई भी सुबह से बात नहीं की और उसके बाद हमें बाहर निकाल दिया जैसे ही हम बाहर आए तो हमने ये फिर अपना विरोध जताने के लिए अपने कपड़े निकाल दिए तो आप ये कह रहे थे कि मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है अभी पुलिस की तरफ ये कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जो तस्कर थे उनके खिलाफ अभी मुकदमा हमने जो माल दिया था वो माल हमारे पास वापिस आ गया मुकदमा कैसे दर्ज करेंगे किस चीज़ का करेंगे पुलिस वाले लिपापोती कर रहे पुलिस वाले तो जी हमारे को धमका रहे हमारे सामने हम जब भी ये थोड़े 5 मिनट पहले गए थे 5 मिनट लेट आए तो यहाँ के मुलाजिम गांव के समिति के जो जितने बच्चे हैं उनको धक्का मार के बाहर निकाल रहे थे हमने विरोध किया है हम यहाँ पिछड़े हैं बिल्कुल यहाँ सो गए जब जाके फिर SHO नहीं तो SHO ने कह दिया था इनको निकाल दो बाहर हमारी कोई सुनाई नहीं नशा तस्करों को ये कह रहे हैं पुलिस प्रशासन हमारे सामने जाओ तुम्हारे ठिकाने उनको तो एक साइड कर रहे हैं हमारे को हमारे घर भेज रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं तो ये जो आंदोलन चल रहा है नशा तस्करों के खिलाफ कितने दिन से धरना चल रहा है यहाँ पे और बार बार जो है मांग भी उठाई जाती है कई बार पकड़ाया भी गया नशा तस्कर हम 6 महीने से लगातार इस मुहिम में काम कर रहे हैं चिट्टा समय को रोकने के लिए और 1.5 महीने से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं आज से 20 दिन पहले जिसको आज पकड़ा इसी को हमने पुलिस वालों को बताया था कि ऐसे ऐसे वहाँ पे बेचने आ रहा है तो उसके पास से 47 पुड़िया 4.14 ग्राम माल बरामद हो गया था उसके बाद में क्या पुलिस उसके ऊपर नज़र नहीं रख सकती हर एक ही आदमी को अगर 10 बार नोटिस करेंगे तो पूरे समाज में कैसे नशा खत्म करेंगे हम हाँ जी नाम बताइए नमस्कार जी नरेश सैनी जी तो क्या कहना चाहिए मैं कहना चाहता हूँ जी कि जैसे ये प्रशासन की क्या सोच है कि इनको परेशान कर दो ये अपना काम धंधा ये जो धरना पे बैठे हैं ये अपना धरना छोड़ के घर पे बैठ जाए और ये धड़ल्ले से जो काम चल रहा है ये चलता रहे हमारे पास जो मंथली आ रही है वो आती रहे ऐसे ही और हम चाहते कि ये काम बिल्कुल बंद होना चाहिए ऐसा बहुत हो चुका है अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए भाई धन्यवाद ये देखिए ये जो 4 बच्चे पकड़े हैं ये हमारे टेंट में जाके धमकी भी दे के आए हैं समिति को वही दूसरी बात बिल्कुल थाने के 1 किलोमीटर के दायरे में मच्छी मार्केट है मच्छी मार्केट से माल पकड़ा गया है और SHO आप सबके सामने ये कह रहे हैं 50 आदमी बीच में कि ये तो सदर का एरिया है
हम ये पूछना चाहूँ सचो साहब से, एसपी साहब से, मच्छी मार्केट सदर का एरिया है, इसका लोगेरा का एरिया है, हमारे को कह रहे सदर में भाई हमारे को भटकाने का चक्कर में ये भटक जाए, हमारी तो कहने का मतलब इतने बच्चे सारे अच्छे घरों के बच्चे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, घर से खर्चा लगा के घर से टाइम निकाल के लग रहे हैं, एक एक दो दो बच्चा है, घर वाले इनके माँ बाप बाट देख रहे हैं, फ़ोन पर फोन आ रहे हैं और थाना वाले इनको धमका रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। यहाँ हमारे एमसी साहब भी आए हैं, एमसी साहब ने भी विरोध किया भाई बच्चों के साथ बुजुर्गी की, बोले वो तो होमगार्ड भी करती, फिर होमगार्ड के पास लाइसेंस है, होमगार्ड भी तो थाने का ही मुलाजिम है, डीएसपी तो मौके पर एसपी साहब तो हमने मिलने नहीं, होमगार्ड हमारा धक्के मारेगा तो फिर तो इन्हें तो थाना घर की बिल्डिंग समझ लीजिए, इन्हें तो समझ लिया कि इसे तो हमने किराए पर ले रखे, उन्हें कोई बढ़े नहीं सकता। बताइए सर क्या है मामला। देखो जी हमारा गाँव की जो समिति नहीं है पकड़ी थी, ये जो उन लड़कियां ने लेके आए समाक चीटा समेत, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा पुलिस ने, इनके साथ बढ़िया तरीके से व्यवहार करना चाहिए, ये तो समाज ने सुधार लग रहे हैं, लेकिन इन्हें का धक्का मारना जी, लेकिन ये गांव में ये आज मैं आपके साथ चैनल के सामने कह के जाऊँ, पूरा गांव इकट्ठा करेंगे 15 तारीख अनिल विज के पास जावाँगे इनकी शिकायत करने, अगर भाई हमें समाक चीटा पकड़ा हुआ है तो भी वो छोटा बाहर काटा है, फिर ये समाज सुधरेगा कैसे, फिर तो हरियाणा सरकार भी इन्हों का नशा खत्म करने लग रही है, तो सहयोग कर लग रहे हैं, ये छोड़ रखे रहे फिर समय चिट्ठे बेचने का, इधर कैसे सरकार समय चिट्ठा खत्म कर देगी। तो जो जो बात आई थी कि समय चिट्ठा पकड़ा गया और मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे इनके खिलाफ, हाँ। छोड़ रहे हैं, अब पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया, आपको भी बताया गया इसका। देखो अब इतना विरोध होने का बाद या आंदोलन करने का बाद पुलिस ये मुकदमा दर्ज कर रही है, लेकिन इस समिति का क्या दिल नहीं टूटता है भाई, देखो हमें कितनी मेहनत है समाज को बचाने लग रहे यार, इनने मारा धक्के मारे, ये तो दबाव में आया कि आप वर्ग का मीडिया का या इन आंदोलन कराया तो इन्हें मुकदमा दर्ज कर लिया, नहीं तो बताओ इनका सहयोग करना चाहिए पुलिस ने, इनकी हौसला इनका डाउन कराया है पुलिस ने। तो अगला कदम क्या रहेगा? देखो हमें गाँव में बतलावा मुनादी कराया गया, जय गाँव फैसला कराया तो 15 तारीख अनिल विज के पास जाएंगे, जिसने समाक चिट्ठा उल्टा दिया वापिस पकड़ाया है उसका बाकायदा नाम दे के आएंगे, अगीस अधिकारी ने हमारा समय चिट्ठा वापिस कराया, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करो, हर दो अधिकारी है धनवा का नाम ले। ये एक बात कहना चाहूँगा, सरकार इस भाई ने कोई तनख्वाह कौन देवे, जो काम पुलिस का है वो लोग आम आदमी करने लाग रहा है, वो काम बताओ जो काम पुलिस ने करना चाहिए, और उन्हें ले आके नशा उसका हाथ में पकड़ा दिया, वो नू कहो आप यो लेके बाहर जाओ, हम इस पर कोई कार्रवाई कौन कर सकते। एक तरफ पुलिस सहयोग की अभिलाषा करती है कि आम जन जो है नशा तस्करों को पकड़ाने में और नशे को कम करने में सहयोग करे, एडीजीपी जाघव भी आकर के हिसार के अंदर अभी कुछ ही समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह के गए कि आम जन जो है इसके अंदर सहयोग करे, और एक तरफ लोगों को इस तरह से नशा तस्करों को पकड़ाने के बाद मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कपड़े निकाल करके इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये तस्वीरें देख रहे हैं 911 सेक्टर 911 थाने की। एक और बताऊं, नगर निगम की मीटिंग में डीएसपी अशोक जी आ रहे थे, नमले हम समय चिट्ठे के खिलाफ ऐसे ऐसे हम कार्रवाई करा, मीटिंग के अंदर बताया था मैंने, एक बार 911 सेक्टर में हमारे समिति के साथ में हमें खुद एप्लीकेशन दे के गए, अब जिंदल पुल के नीचे समय चिट्ठा बिका, एक दिन भी कार्रवाई नहीं करी, हमने पता है हमारा गांव के लड़के जो नशे करा है, जो नशा करनी है बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ से हर रोज जा रहा है तो वहाँ से नशा लिया, हम उनके पीछे लगी है समिति, उन्हें देखा भाई ये तो जिंदल पुल के नीचे बिक रहा है, हम यही आगे देखे गए एप्लीकेशन, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो पहले तो कुछ दिन धरना प्रदर्शन जो है आपका धरना चला रामायण टोल के ऊपर, और अब जो है बिल्कुल जिंदल पुल के नीचे धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, इसके बावजूद भी कोई सहयोग आपको नहीं मिला है? पुलिस प्रशासन के हमारा पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है, हमारा गांव राम लगा हुआ है, गवांडों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नौगारा थाना के एसएचओ साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, जो लोग बाग यहाँ पे कुछ नशा तस्कर को पकड़ के आपके सामने लेकर के आए? ये एक जुलाई लड़का है, ये कोई इन्हों का कहना है कि इसको हम पकड़ के ले आए और ये वहाँ पे नशा बेचता है, और इसको ले आ करके इनको मारे हवाले किया, अभी तो इन पर जो भी जायज कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इनके पास कुछ नशा भी मिला? नशा अभी देखेंगे, इनकी तलाशी लेंगे, इनके पास क्या है क्या नहीं है, अभी ये पकड़ के ले आए मेरे पास। तो जो संस्था लगातार जो नशे के विरोध में काम कर रही है, उनका ये भी कहना है कि पुलिस ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाती है हमारा? नहीं, जो भी ये सहयोग मांगते हैं हमारे को, जो भी बोलते हैं किसी नशा को पकड़ना है, हमारे को साथ लेके चलते, साथ चलने को तैयार हैं,
आज भी मैं अपनी गश्त कर रहा था, वहाँ पर जाम लगा हुआ था जिंदल चौक पर, वहाँ खुलवा रहा था। इतनी देर में मेरे MHC का फ़ोन आया कि भाई 10-12 लड़के हैं किसी नशा उसको बेचने वाले को पकड़ के ले आए। मैं कभी अभी बैठाओ मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं जो ही थाने में पहुँचा तो नारेबाजी करते मिले, तो इनको समझाया जो भी इनके नियमानुसार कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी इनके नशा तस्कर के खिलाफ। नशा तस्करों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इस दौरान मैंने आए यहाँ करीब महीने से कम हुआ, 3 पर्चे नशे के दिए हैं यहाँ पे चिट्टे के, और सरकार के भी सख्त आदेश हैं नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने। SP साहब, DGP साहब, होम मिनिस्टर साहब के बहुत सख्त आदेश हैं नशा तस्करों को किसी कीमत पर ना छोड़ा जाए, ये कार्रवाई की जा रही है।